हेलो एवरीवन, मैं हूं मीनाक्षी और मेरे चैनल वेज व्यंजन में आपका स्वागत है। तो आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है मेरे पास गार्लिक ब्रेड की, जो सबको बहुत पसंद है और ख़ासकर बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा। तो आज हम इसे घर पर बनाएंगे और बहुत ही इजी वे में। और अगर आपको लगता है कि इसे बनाना बहुत ही मुश्किल है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी राय बदल जाने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए मिलकर बनाते हैं ये माउथ वाटरिंग टेम्पटिंग यमी सा गार्लिक ब्रेड। गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हमें यीस्ट को एक्टिवेट करना होगा। उसके लिए मैंने ये एक कटोरी गरम दूध लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं है। उसमें मैंने एक चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा यानी डेढ़ चम्मच यीस्ट डाला है और उसके बाद इसे अच्छी तरह हमें मिक्स कर लेना है। तो ये जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो हम इसमें डालेंगे करीब एक चम्मच शुगर। ये जो चीनी और दूध का कॉम्बिनेशन है वो यीस्ट को बहुत अच्छे से एक्टिवेट करता है, तो इसलिए मैं पानी की जगह दूध का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो पानी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हमें 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देना है और करीब 10 मिनट बाद ये अच्छे से बिल्कुल मिक्स हो चुका है और यीस्ट भी अच्छे से एक्टिवेट हो चुका है दूध में। तो अब हम इसका एक डो तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम एक बड़ा सा बोल लेना है ताकि आप अच्छे से डो जो है उसको मिक्स कर सकें। इसमें हम पहले ये दूध जो हमने एक्टिवेट किया था यीस्ट के साथ वो डालेंगे और उसके बाद हमें डालना है एक कटोरी मैदा, इसमें रिफाइंड फ्लोर जो होता है, और ये जो है करीब 200 ग्राम होगा। इससे हम दो गार्लिक ब्रेड्स बनाएंगे और इसमें डालेंगे हम एक चम्मच एकदम बारीक कटा हुआ लहसुन। तो यहाँ मैं जो गार्लिक जो है वो फ्रेश यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो पाउडर यूज़ कर सकते हैं। और ये है एक चम्मच रेड चिली फ्लेक्स और ये है एक चम्मच ही ओरेगानो। और उसके बाद हमें डालना है इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक। नमक थोड़ा कम ही डाली क्योंकि हम बटर भी यूज़ करेंगे इसमें, तो बटर में भी ऑलरेडी नमक होता है, तो नमक उस हिसाब से ही आपको डालना है। और करीब एक चम्मच हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। और अब इसे हमें पहले हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। तो जो हमने दूध इसमें यूज़ किया है पहले हम उससे ही इसे तैयार करेंगे, और अगर हमें लगता है कि हमें इसमें पानी डालना है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी भी यूज़ करेंगे। तो इसका जो डो होता है ना वो बहुत पतला सा होता है, यानी आप बहुत सख्त अगर करेंगे तो आपकी ब्रेड जो है वो बहुत हार्ड बनेगी। और करीब 10 मिनट तक आपको इस डो को ऐसे ही मसलना है और ये सारा राज जो है इसी में छुपा हुआ है। तो आपको 10 मिनट तो इसको इस तरह से हाथों से अच्छे से करना ही है और उसके बाद आप इसमें ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा के इस तरह फिर से कर लीजिए। और ऊपर से अब आपको इसको किसी भी क्लिंग रैप या जो भी आपके पास कोई ढक्कन हो तो उससे अच्छे से ढक दीजिए ताकि इसमें हवा पास ना हो पाए। तो मैं यहाँ क्लिंग रैप का यूज़ कर रही हूँ और आप फॉइल से भी ढक सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह ढक देने के बाद हमें करीब 1 से 1.5 घंटे तक इसको ऐसे ही रख देना है। तो बेस्ट होगा कि आप इसे माइक्रोवेव के अंदर ही रख दें क्योंकि वहाँ बिल्कुल अच्छे से ये फर्मेंट हो जाएगा। अब करीब 1 घंटे बाद जब हम स्टो को निकालते हैं तो देखिए ये कैसा हो गया, बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल ट्रिपल हो गया है क्वांटिटी में। अब हमें क्या करना है, इसके दो पोर्शन कर लेने हैं क्योंकि हमें दो गार्लिक ब्रेड्स बनानी है। और बस अब इसे हाथों से रोल करते हुए एक बॉल की शेप देनी है, जैसे हम रोटी या पराठा के लिए लोई बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। और फिर एक कोई भी फ्लैट सरफेस आप ले सकते हैं, चकला भी यूज़ कर सकते हैं, और उसको थोड़ा सा ऑयल लगा के पहले हमें ग्रीस करना होगा ताकि चिपके ना वो रोटी बनाते टाइम जो हमारा डो है। और इस तरह हाथों से ही बहुत सॉफ्टली हल्के हाथों से आपको इसे फैलाना है, हम कोई बेलन का यूज़ नहीं कर रहे, हाथों से ही करेंगे। और ये देखिए हमारी रोटी बनकर तैयार हो गई है।
अब हमें लेना है एक कटोरी में यानी हाफ कटोरी बटर लेना है जिसे मैंने मेल्ट कर लिया है, और इसमें ही मैं ये सारी चीज़ें ऐड कर दूंगी जो मुझे गार्लिक ब्रेड में यूज़ करनी है। तो ये जो मैंने गार्लिक्स थोड़े से बचा लिए थे, करीब एक चम्मच गार्लिक मैंने इसमें भी डाल दिए, ये पीसेस छोटे छोटे, और ये ऑरेगानो ये भी एक चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें, और मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डालूंगी। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं उनको तीखा इतना पसंद नहीं है तो आप चिली फ्लेक्स अवॉइड कर सकते हैं। और इसे अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब जो हमने रोटी की शेप दी थी ना डो को, उसमें हमें इस बटर को पूरी तरह स्प्रेड कर लेना है जिसमें गार्लिक ऑरेगानो और चिली फ्लेक्स सब कुछ है। तो आप ब्रश या स्पून किसी की भी हेल्प से इसे स्प्रेड कर सकते हैं। और अब हम इसमें स्टफ करेंगे ये स्वीट कॉर्न। तो मुझे स्वीट कॉर्न बहुत पसंद है और बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं, तो मैंने सिर्फ स्वीट कॉर्न की स्टफिंग करी है। आप चाहें तो और भी चीज़ें इसमें स्टफ कर सकते हैं। और ये है चीज़, तो चीज़ तो हमें भर भर के इसमें डालना है क्योंकि चीज़ के कारण ही ये बहुत ही यमी लगता है और बहुत ही अमेजिंग सा चीज़ी सा ब्रेड बनता है। तो मैंने जितनी चीज़ थी हाफ कटोरी वो मैंने पूरी इसमें यूज़ कर ली है। और अब हमें कॉर्नर्स जो हैं इसके जो एजेस हैं उसमें थोड़ा थोड़ा पानी लगा के और फिर हमें इसे बंद करना है। तो पानी इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमने इतनी सारी चीज़ डाली है तो वो जब भी कुक होने का प्रोसेस होता है तो कभी कभी चीज़ बाहर आ जाती है, तो हमें इसे अच्छे से सील कर देना होता है। इस तरह हमने इसे अच्छे से सील कर दिया है। और अब एक चाकू की हेल्प से हम क्या करेंगे, इससे थोड़ा सा काटेंगे, बिल्कुल आपको अंदर तक बुरा नहीं डालना है, सिर्फ एक मार्क बनाना है ब्रेड के ऊपर ताकि जब वो कुक हो जाए तो हम इसे इजीली अलग कर पाएं, सेपरेट कर पाएं स्टिक्स इसके। अब इस स्टेज पर आप माइक्रोवेव को प्रीहीट होने के लिए ऑन कर दें 180 डिग्री पर, और तब तक हम इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे जो माइक्रोवेव की ट्रे है, और थोड़ी सी डस्टिंग कर लेंगे ताकि जो गार्लिक स्टिक्स जो ब्रेड है वो इस पे चिपके ना। और फिर अब हम इसको उठा के जो हमने गार्लिक ब्रेड तैयार की थी वो इसके ऊपर रख देंगे, और उसके बाद एक बार फिर से हम इसके ऊपर बटर गार्लिक एंड चिली फ्लेक्स ऑरेगानो का जो हमने मिक्सचर तैयार किया था वो स्प्रेड कर देंगे ताकि ये ऊपर से ग्लॉसी भी हो जाए और बटर और गार्लिक का पूरा फ्लेवर आए ब्रेड में। तो अब इसको 10 मिनट्स के लिए हम 180 डिग्री पर पकाएंगे, और उसके बाद जब ये अंदर से अच्छी तरह पक जाए तो 5 मिनट्स के लिए हम 200 डिग्री पर पकाएंगे ताकि ऊपर से भी ये क्रिस्पी हो जाए। तो बीच बीच में आप इसे चेक करते रहें, वरना ये बहुत ज़्यादा अगर कुक हो जाएगी तो हार्ड हो जाती है, तो हमें इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। और देखिए हमारी गार्लिक ब्रेड बिल्कुल रेडी हो गई है, और ये बहुत ही सॉफ्ट है और इजीली कट रही है। देखिए वाओ, ये तो बहुत ही यमी और चीज़ी लग रही है। तो चलिए फटाफट मैं तो जा रही हूँ इसको खाने, और अगर आपका भी मन कर रहा है इसको खाने का तो इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही ईजी रेसिपी है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और उस बेल बटन को भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, टेक केयर।